हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेशनल बस। सो टुडे वी हैव गौरव कुमार विद अस। सो हेलो सर, हाय, वेलकम टू नेशनल बस। थैंक यू। गौरव इज अ एसोसिएट डायरेक्टर, एंड एज अ एसोसिएट डायरेक्टर हाउ मेनी चैलेंजेस यू हैव सीन इन योर लाइफ? एक्चुअली देयर आर सो मेनी चैलेंजेस ड्यूरिंग दिस जॉब। एसोसिएट डायरेक्टर इज नॉट एन ईजी जॉब। अगर हम अपना कंपेयर करें कि अपने जनरल लाइफ में जो बिजनेसेस या जो भी ट्रेडिशनल जॉब्स चलती हैं उसके रिगार्डिंग बात करें, तो बीइंग एसोसिएट डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना इज़ अ वेरी टफ जॉब। लॉट ऑफ चैलेंजेस डायरेक्टर के ऊपर, जितना कम प्रेशर आएगा उतना वो ज़्यादा बढ़िया काम कर पाएगा, और जितना एसोसिएट डायरेक्टर प्रेशर ले पाएगा उतना ज़्यादा बढ़िया बनेगी। गौरव ने इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, उनकी काफ़ी मूवीज़ भी आई हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ चीज़। सो सर, चीज़ के बारे में थोड़ा हमें बताइए। चीज़ एक शॉर्ट फिल्म है जो कि हमने राइटर है हमारे एक सिमी प्रीत कौर मैडम, उन्होंने मेरे साथ ये कंसेप्ट किया था डिस्कस। ये एक्चुअली चाइल्ड एम्यूजमेंट के ऊपर है, या कह लीजिए कि छोटे बच्चों के साथ भी कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सेक्सुअली हरासमेंट को लेके था कुछ, तो उसके ऊपर बनाया था हमने एक कंसेप्ट के लोगों को, पेरेंट्स को अवेयर किया जाए। और यस, उसका कंक्लूजन भी दिया एक, जो कि थोड़ा फिल्मी है। सो एज वी ऑल नो कि आजकल क्या, हमेशा से ही हरासमेंट विद चाइल्ड, विद वुमेन, इवन विद बॉयज एंड मैन बहुत होती आ रही है, एंड नाउ वी हैव अ मूवी ऑन दैट चीज़। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू गो एंड वॉच चीज़ ऑन एमएक्स प्लेयर। एंड ऑल्सो सर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, हमने लास्ट ईयर मैंने एक वेब सीरीज़ की थी हवेली वाले के नाम से, जो कि OTT चैनल पर रिलीज़ हुई थी। उसका एक जो सेकंड सीज़न है वो हम बहुत जल्दी शूट करने वाले हैं, और करंटली आप जहाँ पर आए हैं, जहाँ खड़े हैं, ये हम प्रेजेंटली एक हरियाणा मूवी शूट कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म मानी जाएगी। अच्छा, मतलब आप डायरेक्शन करते हैं, सो हैव यू एवर ट्राइड इन एक्टिंग? हाँ, ऑफ कोर्स। एक्टिंग, जब भी एक्टर सेट पे आता है तो उसको कोई चीज़, कोई सीन, कोई भी समझाना होता है, तो यस, सो मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि हमें खुद एक्ट करके दिखाना पड़ता है। सर, आपने कभी भी, आपको ऐसा लगा कि आपकी स्टार कास्ट आपके डायरेक्शन या आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर वो उस रोल को उस तरह से नहीं उतार पा रहे हैं उस रोल में? नहीं, देखिए, अभी तक ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि राइटर के साथ बैठ के पहले डिस्कशन होती है कि वो इस करेक्टर में क्या चाहता है, किसे देखता है, किस तरह का इंसान चाहिए। कोशिश करते हैं कि हर एक, हमने जितनी भी मूवीज़ की हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि एक नया चेहरा लेके आए, या ऑलरेडी जो अपने एस्टेब्लिश चेहरे हैं अगर उनको कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए, यही कोशिश रहती है हमेशा। एज अ डायरेक्टर, आपका कोई तो ड्रीम होगा ना कि ये मेरी ड्रीम मूवी है, मुझे ऐसी मूवी करनी है? हाँ, ऑफ कोर्स, काफ़ी सारी एक्शन मूवीज़ है जो मैं पसंद करता हूँ। जब करियर शुरू किया था अपना, तब यही सोचा था कि किसी एक्शन डायरेक्टर के साथ लग के काम करेंगे ताकि कुछ सीखा जाए। एंड ऑफ कोर्स आई एम लकी कि मैं मिस्टर मनदीप बेनीपाल जी के साथ एसोसिएट काम कर रहा हूँ। उनको वो जो एक्शन फिल्में करते हैं, जो रियल बेस्ड ड्रामा वो करते हैं, वो टोटली डिफरेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच गौरव सर फॉर जॉइनिंग अस।